तो स्टूडेंट हमने 7.1 सॉरी 7.3 का फर्स्ट पार्ट किया था, हमें उसका लास्ट पार्ट करने लगे। उसी तरह पहले चेक करेंगे हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इक्वालिटी के इनइक्वालिटी, उसके लिए आपने ये सिंबल जरूर देखना। ये सिंबल हम बता रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी वाला है। तो सारे रूल्स जो मैंने पहले आपको बताए हैं वो आपने फॉलो करने हैं। अगर किसी चीज़ को प्लस करना है तो दोनों तरफ करना है, माइनस करना है तो दोनों तरफ करना है, डिवाइड करना है तो दोनों तरफ करना है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ करना है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 to the 6, 6 by 2 add 8 over 3x plus ये 2 over 3 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 over 3 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ख्याल रखें कि ये जो 5x है ये ऊपर न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन के नीचे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन है, एवरी नंबर इज अ फ्रैक्शन रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 2 लिखता हूँ तो 2 के नीचे भी 1 मौजूद है, ये रैशनल नंबर है। तो वो जो इसके नीचे 1 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 5 10x over 3, अब यही नंबर आगे 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 to the 8 over 3। फिर इसी तरह आगे आ जाएगी 1 8x से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 से भी होगा, -8x over 3 माइनस प्लस माइनस और 7 on the 7 over 3। अगर हम वो से देखें तो हर फ्रैक्शन के नीचे 3 है, तो 3 को हम इजीली ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम भी लें तो 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई होल साइड बाय 3। हर नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। लेकिन उससे आपका स्वाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो वेरिएबल प्लस माइनस हो रहे हैं कॉन्स्टेंट, वो में आप करें 10 में 8 ऐड करें 18x माइनस 8 माइनस 8x माइनस 7। अगर इधर इक्वालिटी का साइन होता तो सबसे पहले अगर आपको कहा जाए कि इसमें से आपने सॉल्व करना है x को, तो सारे x आप एक तरफ करते, करना आप भी हमने ऐसे ही है, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी है, तरीके का वो ही है। माइनस 8x की तरह आपकी क्या होना है प्लस 8x, तो हम करेंगे दोनों तरफ प्लस 8x। और 8 में 18 में 8 ऐड करें तो 26x माइनस 7। अब देखें जो हमने सॉल्व करना था वो अकेला रह चुका है, एक से ज्यादा वेरिएबल इस वक्त इस इनइक्वालिटी में मौजूद नहीं है। अब हमने कांस्टेंट को रिमूव करना, खत्म करना है ताकि x का आंसर हमारे पास आ सके। x का जो है हमारे पास कांस्टेंट माइनस 8 उधर जाके क्या होना है प्लस 8, तो दोनों तरफ हम करेंगे प्लस 8। ऐसे कट हो गया 26x 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड। अगर इक्वालिटी होती इन इक्वालिटी में भी यही है, लेकिन काम आपने ये दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पे देखें इस सूरत में साइन चेंज नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमारा साइन चेंज हुआ था, वजह क्योंकि वो माइनस वाला नंबर डिवाइड हो, जब ना माइनस वाला नंबर डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है दोनों सूरत में ये इन इक्वालिटी का साइन चेंज होगा, लेस होगा तो ग्रेटर, ग्रेटर होगा तो लेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है और मुझे फीडबैक दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इधर बता दूंगा।